सपोज मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, और वो भी फर्नीचर का क्या कि मैं ये वाली चेयर्स बेचता हूँ, सिर्फ सिर्फ मेरा सिर्फ बिजनेस में सिर्फ ये वाली चेयर्स हैं, ये मैं खरीदता हूँ और ये मैं बेचता हूँ, ठीक है। सपोज एक चेयर की कॉस्ट है 1,000 रुपये, मतलब मैं ये वाली चेयर, एक चेयर 1,000 रुपये में खरीदता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ 2,000 रुपये में, ठीक है। मैं एक चेयर 1,000 रुपये में खरीदता हूँ और उस चेयर को 2,000 रुपये में बेचता हूँ। नाउ सपोज आज क्या डेट है, 11, 11 दिसंबर 2017 को मैंने 10 चेयर्स खरीदी। जब मैं 10 चेयर्स खरीदूंगा तो परचेजेस बड़ा अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश टू कैश, कैश बनेगा 10,000। कोई दिक्कत? नहीं, ठीक। 11 तारीख को ही सेल कर दी मैंने दो चेयर्स सेल की, कैश पे, कैश दो चेयर्स सेल की, अकाउंट हाँ सब डेबिट, कैश है। तो कैश अकाउंट डेबिट तो 4,000 कैश अकाउंट डेबिट 20,000। 4,000, क्यों? दो चेयर्स दो, बेचे, अच्छा सॉरी, ठीक है। टू सेल्स, टू टू सेल्स सेल्स फॉर 4,000। अकाउंट 4,000, कोई दिक्कत? नहीं, सपोज फिर 13 दिसंबर को मैंने 10 चेयर्स और खरीद ली, परचेजेस अकाउंट 10,000 डेबिट उसको 10,000 कैश, तो कैश टू कैश अकाउंट, ठीक है। 14 तारीख को मैंने कुछ नहीं किया और 15 तारीख को मैंने 10 चेयर्स बेच दी। कैश फ्लो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20,000, टू सेल 20,000, टू सेल्स 20,000। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ओके okay. जर्नल कर लिया हमने, अब इसका लेजर बनाए, ठीक है। मैं पहले परचेजेस अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, टू कैश, ठीक है। परचेजेस टू कैश 10,000, वापस कैश में बाय परचेजेस परचेजेस 10,000, ठीक। फिर कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स 4,000 और सेल्स में बाय कैश 4,000, टू कैश ठीक है। 10,000, फिर सेल्स परचेजेस टू कैश, कैश 10,000, बाय परचेजेस 10,000, कैश कैश में बाय बाय परचेजेस परचेजेस 10,000, ठीक। नेक्स्ट कैश टू सेल्स कैश डेबिट टू सेल्स और उधर बाय कैश 20,000, 20,000 और इधर कैश बाय बाय कैश कैश 20,000, 20,000, ठीक है। तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बैलेंस 20,000, ठीक है। इधर क्या आएगा, 24 माइनस 20, चार तो बाय बैलेंस उधर चौबीस, 4,000 बैलेंस चौबीस, और टू बैलेंस चौबीस हजार, 24,000, 24,000। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अरे क्या बात है, ठीक है, यस पक्का? कुछ भी 24, नहीं है ना अभी ठीक। तक, हाँ अभी तक कुछ भी नहीं है, है मतलब इसमें लगने वाली है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जिस तरह से स्कूल में पढ़ा जाएगा उसमें लगेगी, मैं स्कूल में पढ़ूंगा क्या, आप इतने अच्छे ठीक तरीके से पढ़ा स्कूल में, है। तो ये हो गया जर्नल, हो गया लेजर, हो गया। इसके बाद आओ ट्रायल बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल, भूल गया मैं, ये बोल रहा था भूल गया, ठीक है। अच्छा याद है, परचेजेस पर्टिकुलर्स परचेजेस डेबिट डेबिट, अच्छा ये तो वहां अक्सर है, परचेजेस तब से तो कर रहे हैं हम लोग यार, रोज तो कर रहे हैं। तो परचेजेस क्रेडिट साइड 20,000, क्रेडिट नहीं भाई डेबिट डेबिट साइड डेबिट 20,000, कैश में डेबिट साइड 4,000, कैश डेबिट साइड 4,000 और उसमें क्रेडिट साइड 24,000, उसमें क्रेडिट साइड पे 24,000, हैवी वेरी सर, मैच हो गया सर, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। अब ट्रेडिंग पीएनएल वो हम बताना सर, वो भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, ठीक है। अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसका, तो मतलब पूरा अकाउंट्स कर देगा आज रिपोर्ट पे, 80 मार्क, 80 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो आओ, टू ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, टू परचेजेस, टू परचेजेस 20,000, 20,000 बाय सेल्स, बाय
सेल्स 24,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं है हमने कैश 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 हम बोला तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें 10 थी 2 बची 8 रह गई 10 और रह गया 18 हो गए तो इसमें 10 और बची 8 तो 8 8 चेयर्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, 8 कुर्सियां अभी भी बची हैं, 8 कुर्सियां अभी भी बची हैं, तो हमारा क्या हुआ समझ? आठ चेयर्स हमारी अभी भी बची हैं और वो 8,000 का कॉस्ट है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 8,000. आठ ओपनिंग तो था ही नहीं ना, था ही नहीं. ठीक है, टू जीपी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. चलो ये कितना हो गया, 32 माइनस 20 12 होता है 12,000 रुपए. ठीक है, अब बनाएंगे बैलेंस. पीएनएल तो बना ही नहीं सकते, कुछ इनडायरेक्ट है ही नहीं. ठीक है, बैलेंस शीट देखो. बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में पहले तो कैश आएगा 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 8,000. ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहीं पर आ जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा, ऐड 12,000. तो ये हो गया 12,000. ये हमने कर दिया बैलेंस शीट मैच. बैलेंस शीट मैच हो गई, दो ट्रांजैक्शन हो गई. ठीक है, पूरी पिक्चर समझ में आ रही है? जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक पूरी साइकिल हो गई. ठीक है, तो इसमें क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक की बात ध्यान देने वाली थी. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं आ रहा था, बट वी न्यू कि क्लोजिंग स्टॉक 8 चेयर्स अभी भी बची हैं, तो उनका हम ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, बैलेंस शीट में भी करेंगे. ये हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं पिछले चैप्टर में. ठीक है, हम लोगों ने पूरा का पूरा ये किया है. फटाफट इसको कॉपी करो. डन, ओके. अब मैं ये कह रहा हूं कि जितना ये 8,000 क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मैं एक अगर एक लेजर अकाउंट बना दूं तो, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अभी ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोगों ने जर्नल में भी कहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाला था. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों ने लेजर अकाउंट उसका क्रिएट ही नहीं किया. बट मैं ये कह रहा हूं कि 8,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक तो है ही ना. ठीक है, तो अगर हम अपनी इस वाली शीट पे आए, मतलब ये वही चीज है, कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू ड्रॉइंग्स एसेट्स एक्सपेंसेस. ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? परचेजेस का 8,000 रुपए वाला जो बैलेंस है वही तो क्लोजिंग स्टॉक है. मतलब 20,000 की परचेजेस थी जिसमें से 12,000 की परचेजेस तो बिक गई. 12 कुर्सियां बिकी ना टोटल, 2 यहां पर बिकी, 10 यहां पर बिक गई, 12 कुर्सियां बिक गई, बची 8 कुर्सियां. ठीक है, तो हमने 20 कुर्सियां खरीदी थी टोटल में 20,000 की, और उसमें से 12 बिक गई, यानी 12,000 परचेजेस में से कम हो गया, और 8,000 अभी भी परचेजेस बचा हुआ है. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि क्लोजिंग स्टॉक का मुझे कोई जर्नल एंट्री पास करनी है तो वो यही तो होगा ना. क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा एसेट है, तो मेरा एसेट यहां पर बढ़ेगा 8,000 से. ठीक है, और ये जो परचेजेस अकाउंट में बैलेंस है 8,000 का जो कि अभी बिका नहीं है, वो कम होगा परचेजेस से. परचेजेस मेरा एक्सपेंस था तो यहीं पर आता है 8,000, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा. ठीक है, जर्नल एंट्री क्या हुई मेरी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. तो ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. रुक जाओ अभी, रुक जाओ. ठीक है, ये समझ में आ गया पक्का? ओके, तो अब इन एंट्रीज के बेसिस पे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं. अभी रुक जाओ, अभी पहले मेरा देख लो, उसके बाद इन एंट्रीज के बेसिस पे लेजर अकाउंट्स अगर बनाए तो परचेजेस अकाउंट में टू कैश बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा. तो यहां पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस 12,000. कोई दिक्कत? पक्का? ओके, कैश अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, सेल्स में कोई चेंज नहीं है. अब यहां पर हम बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस 8,000 बाय
बैलेंस 8000। ठीक, अब आओ इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। परचेजेस का बैलेंस 12000। ठीक है, समर्थ समर्थ, परचेजेस का बैलेंस 12000, समझ में आया? कैश सेम है, सेल्स सेम है। यहां आओ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस 8000 रुपए। ठीक है, तो अब ये 12 + 4 + 8 24 और ये 24 ट्रायल बैलेंस मैच है। आओ ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, परचेजेस 12000 पक्का 12000 ओके 12000। अरे वो तो आप तो एक सेकंड, परचेजेस 12000, सेल्स 24000, क्लोजिंग स्टॉक 8000 पक्का, प्रॉफिट मेरा 20000 हो गया। तुम लोग अपनी कॉपी में दोबारा करना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए उसको भूल जाओ, अकाउंट्स पे ध्यान दो। यहाँ पर अब ये तुम बताओ कि पहले गलत निकाला या अभी गलत निकाला। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पहले सही था अभी गलत है। ठीक है, अभी गलत था लेकिन अभी क्यों गलत है ये सुनो, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है? एडजस्टेड परचेजेस निकालने के लिए आता है। सुनो माधव, अभी जब मैं बता रहा हूं ना तो तुम वो पुराने सवाल भूल जाओ जो मैं बोल रहा हूं उस पे सुनो, ठीक है, और नए सवालों पे ध्यान दो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है जिससे एडजस्टेड परचेजेस निकल आए। यहां पर तो परचेजेस ऑलरेडी एडजस्टेड है तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्यों आएगा? याद करो जो पिछला वाला चैप्टर था, नहीं आया समझ? ओके, जो पिछला वाला चैप्टर, अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसी को जब हम ट्रेडिंग में लिखते हैं तो सेल्स माइनस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करके ये नेट सेल्स आ जाता है। ठीक है, और यहां पर आता है सीओजीएस। सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, लेकिन इस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम इधर लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर उसके नीचे फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ इसीलिए लिखते हैं ताकि यहां पर एडजस्टेड परचेजेस वाली वैल्यू आए। जब परचेजेस का बैलेंस ऑलरेडी एडजस्ट होके दिया हुआ है, जब परचेजेस में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, तो हम यहां पर दोबारा क्यों लिखेंगे? समझ में आई बात? इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या, अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया, इवन इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो पहले किया था उसमें परचेजेस जो थी वो पूरे 20000 पे दिख रही थी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख ही नहीं रहा था। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी लेजर अकाउंट खुल चुका है और परचेजेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। पेज पलट के देखो, परचेजेस अकाउंट जो तुम्हारा पहले था वो यहां पर 20000 बैलेंस दिख रहा था। परचेजेस में पहले 20000 बैलेंस दिख रहा था ना, तो एडजस्ट करने के लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में या क्लोजिंग स्टॉक लिखा 8000। अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ गया? 12000 आ गया। यहां पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बना लिया और अकाउंट बना के परचेजेस में से उसको एडजस्ट कर दिया, तो परचेजेस अब ऑटोमेटिकली 12000 पे आ रही है। तो परचेजेस का बैलेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ले जा रहे हैं वही 12000 है। ठीक है, तो क्रक्स क्या हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका मतलब है कि परचेजेस एडजस्टेड है। इसका मतलब है कि परचेजेस एडजस्टेड है, और अगर परचेजेस एडजस्टेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली एडजस्टेड परचेजेस आ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाद लिखा हुआ रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों जाएगा उसका लॉजिक समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर लिखा हुआ, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, मतलब इसका अकाउंट नहीं खुला है, और अकाउंट अगर नहीं खुला है तो परचेजेस एडजस्टेड नहीं है, और परचेजेस एडजस्टेड नहीं है तो परचेजेस को एडजस्ट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का?
क्रक्स सिर्फ उतना ही है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में जाएगा, अंदर है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी कर लो फिर से।